उत्तर प्रदेश के बरेली थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के सका पुल से आगे आगरास रोड पर महावीर इंडस्ट्रीज प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक की हत्या। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। थाना फतेहगंज पश्चिमी की पुलिस और अधिकारी फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार संजीव गर्ग 52 वर्षीय निवासी थाना प्रेस नगर दिव्य प्रकाश कॉलोनी निवासी गुरुवार को लगभग 8 बजे अपनी महावीर इंडस्ट्रीज प्लाईवुड फैक्ट्री से घर जाने को निकले थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। शुक्रवार की सुबह ANA कॉलेज आगरास रोड शंखनाथ आश्रम सुधांशु महाराज के पास गाड़ी और उसके पास रोड पर खून से लथपथ उनकी लाश मिली। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना फतेहगंज पश्चिमी की फोर्स SP ग्रामीण डॉग स्टॉक के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी पुलिस ने मृतक के बेटे को दी। मौके पर मृतक का बेटा शिवम गर्ग भी पहुंच गया और फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी भी पहुंच गए। मृतक का एक ही बेटा है, वो SRMS अस्पताल में डॉक्टर है। फैक्ट्री का सारा काम संजीव गर्ग ही देखते थे। पुलिस को गाड़ी से 2 छोटे-छोटे बैग, 1 चश्मा और 1 पर्स मिला है। संजीव गर्ग रात को लगभग 8 बजे अपनी फैक्ट्री से निकले थे, उसके बाद वो लापता हो गए। सुबह उनका शव अग्रास रोड पर मिला है। हम लोग बहुत दुखी हैं इस बात से। क्या करते थे भैया? उनकी प्लाईवुड फैक्ट्री। क्या नाम था भैया? संजीव गर्ग। थाना फतेहगंज पश्चिम में आज सुबह एक राहगीर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि एक गाड़ी में एक मृतक जो है वो दिख रहा है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और जो मृतक है उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, तो मृतक की जो शिनाख्त है वो संजीव गर्ग उम्र 50 वर्ष थाना प्रेम नगर के रूप में हुई। और उनके परिवारजनों से संपर्क किया गया तो पता चला कि ये शाम को 5 बजे अपना इनका प्लाईवुड वर्कशॉप है परसाखेड़ा में, वहाँ गए थे। और उसके बाद इनका लगभग 9:15 के आसपास अपने बेटे से बात भी हुई थी और उसके बाद ये घर नहीं आए थे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।